स्तर पर क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव चुनाव के नतीजे के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है? जैसे जिस तरह से आपने नींव बनाई है चीन के साथ, अब दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है, एक बहुत बड़ा आप रक्षा मंत्री है, एक आरोप आप पर है, और इस पर खुलकर कहे, क्योंकि जितने हमारे लोग हैं ना ये जानना चाहते हैं कि इसमें आधार क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है वायरल वीडियो, ये विदेश में बैठकर लोग वायरल वीडियो बनाते हैं, अरे लद्दाख चला गया, कश्मीर घाटी चली जाएगी, भूटान चली गई, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, चीन में घुस गया, चीन श्रीलंका में घुस गया, नहीं घुस गया, और भारत की एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, तो आप क्या बात करते हैं? और इस समय में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय करना जरूरी है, राजनाथ जी करना जरूरी है, इन सब चीजों पर क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है। क्लेरिफाई कर रहा हूं मैं आपको एक बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, जितने हमारे दर्शक हैं, जितने वोटर हैं, वो जब जाते हैं ना वोट कास्ट करने, तो उनके मन में राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई म्युनिसिपैलिटी की चुनाव तो है, वो ठीक है, बिल्कुल सही, होना भी चाहिए। आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा मैं, आप बताइए मुझे। जिसके अंदर भी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जिसके अंदर भी है, स्वाभाविक है उसके देश की सीमाओं की रक्षा की चिंता होगी। लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त रहें, कहीं पर कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। लद्दाख में हुआ क्या है? लद्दाख में हुआ, देखिए बहुत अब ऐसा है ना कि सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता कि क्या हुआ है। जितना बोल सके कोई परिवार देख रहा है प्रोग्राम, कोई देख रहा है, वोट करने जाएंगे। भारत और चाइना के बीच अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। जब बातचीत का सिलसिला चल रहा हो, ठीक तरीके से चल रहा हो, अच्छे माहौल में चल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी बातचीत का सिलसिला। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा के साथ जी किसी भी सूरत में भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्या वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कर सकेंगे? जो था जब किया था तो किया था, कहां की बात कर रहे हैं? बीती बातों की यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं? बीती बातों की बात करें, जो हवा चल रहा है आजकल, हवा जो चलाने की कोशिश चल रही है कि लद्दाख के कई पिछली बातों की चर्चा कर रहे होंगे लोग, वही दिमाग में बैठा होगा लोगों को, और उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो लद्दाख में जो आंदोलन करने की कोशिश हो रही है, कौन आंदोलन कर रहा है? ये कोई आंदोलनकारी वहां पे बैठे हुए हैं रात को, वहां पे फास्टिंग, आंदोलन समाप्त हो गया जो मुझे जानकारी मिली है। लोगों को उकसाने की कोशिश चल रही है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाए, करने दीजिए, तथ्य को लंबे समय तक झुठलाया नहीं जा सकता, तथ्य है, सत्य है। चीन के साथ हमारा एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है इस वक्त, और कोई चांस है क्या? हाँ, कोई फ्लेयरअप हो जाएगी? बात सही है, पहले से भी चाइना के साथ हमारे रिलेशन तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी तनाव कितना है? नहीं, लेकिन बातचीत जो इस समय चल रही है अच्छे माहौल में चल रही है, मैं देशवासियों को मैं बतलाना चाहता हूँ। गलवान में जो हुआ वो फिर से हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्या होगा कैसे होगा, इस समय अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, और मैं समझता हूँ कि जो सीमा विवाद जो लंबे समय से चला रहा है भारत और चाइना के बीच, हम ये चाहते हैं वो सारा का सारा सीमा विवाद सुलझ जाना चाहिए, सुलझेगा, और यह बात हम लोगों ने चाइना को सुलझ सकता है, सुलझ सकता है, आज की जैसी स्थिति बनी है सुलझ सकता, बिल्कुल बिल्कुल सुलझ सकता है, और राष्ट्रीय हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना अपने हमारे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए, और मेरा विश्वास दिनों दिन ये और पक्का होता जा रहा है। इसका आधार क्या है? देखिए, भारत के बारे में भी जो पहले जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा थी, अब काफी बदल चुकी है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, धारणा कैसी बनी, रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले दो वर्षों से चल रहा है, जिस समय रशिया यूक्रेन वार ये प्रारंभ हुआ था, आपको जानकारी है कि हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे वहां पर, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा था, कोई मेडिकल का कर रहा था,
स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से मिसाइल बम तोप गोले सब कुछ चल रहे थे, तो उनके जो गार्जियंस थे माता पिता यहाँ थे, स्वाभाविक चिंतित हुए कहीं क्या हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, जैसे एक बात करनी चाहिए कि स्टेट्समैन को, वैसे रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और जेलेंस्की मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की। तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की दोनों से बात करने के बाद आपने देखा होगा 4.5 घंटे के लिए वार रुक गई और लगभग 22,000 बच्चे वहाँ से हमारे भारत आ गए। ये है ना भारत का स्पेशल, पहले भारत और आज के भारत में बहुत अंतर हो गया। आप भी मॉस्को गए थे, आप भी मॉस्को में, मॉस्को में गए, आप पुतिन जी से मिले थे? नहीं, पुतिन जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। लावरोव जी से मिले? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भेंट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, माहौल क्या था वहाँ पे फिर जब आप गए? बहुत अच्छा भारत। आप भी तो कितने विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है, तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम top 3 economy, 5 साल में top 3 economy, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल लीडर, हम नहीं कह रहे। ये तो हमारी बहुत सारी जो जो ये जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि इस समय वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 countries में खड़ा हो जाएगा।